आज 1 जुलाई से देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड का मर्जर प्रभावी हो रहा है। इस विलय के बाद बैंक की सभी ब्रांच में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेंगी। इसके साथ क्या है और बड़े बदलाव, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और हर महीने की तरह ये महीना भी कई बड़े बदलाव को लेकर आया है। इसमें रसोई से लेकर आपके बैंक खाते से जुड़े बदलाव तक शामिल है। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। एक, एलपीजी कीमतों में बदलाव नहीं। घरेलू और कॉमर्शियल दोनों एलपीजी सिलेंडरों की कीमत स्थिर रखी गई है। दो, एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक मर्जर। देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर प्रभावी हो गया है। इस विलय के बाद बैंक की सभी ब्रांच में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेगी। तीन, आरबीआई फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर 7.35% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो जुलाई 1 से 8.05% किया गया है। चार, 15 दिन बैंकों में कामकाज पर ब्रेक। इस महीने देश भर के अलग अलग राज्यों में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। पाँच, खराब क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बिकेंगे। 1 जुलाई 2023 से देश भर में खराब क्वालिटी के जूते चप्पलों की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री पर रोक लगेगी। इन बदलाव के अलावा पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 की थी, जो अब खत्म हो चुकी है। तय तारीख तक इस जरूरी काम को ना करने वाले पैन कार्ड होल्डर का पैन कार्ड अब डीएक्टिवेटेड हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।